आप वोट ना गिराइएगा काम? अच्छा वोट ना गिराते, गाँव में रहते हैं ना सर? गाँव में रहते हैं। आम हुआ है कि ना गाँव में? आप ईमानदारी भर बोलिएगा। कोई काम नहीं हुआ, ईमानदारी भर बोलिएगा। ये नल जल चालू हुआ तो किसी नल में पानी भी नहीं आ रहा है। हम अपने वार्ड का बात कर रहे हैं, इसको तो हम देखा नहीं, बाकी हम अपने दरवाजे की बात कर रहे हैं, उधर का सब लाइन। कहाँ आ रहा है? कहीं नल जल योजना के सच्चाई देख लीजिए। मुख्यमंत्री का सबसे पसंदीदा योजना 7 हिस्से योजना में कमीशन का खेल रस्सी के सहारे पाइप को लटकाया गया है और वाकई में जांच को तो कहीं ना कहीं एक बड़ा घोटाला। और मुखिया जी अपना विकास कहीं ना कहीं जरूर किए होंगे। हाँ वो काम मिले? कोई काम नहीं, हमको 5 साल में एक राशन कार्ड भी नहीं मिला। अभी नहीं मिला। मुखिया जी के काम काज से संतुष्ट हैं कि नहीं है? नहीं 5 साल में तो हमारा कोई काम ही नहीं किया सर, बदलाव के मन जी। 5 बार अप्लाई किए, हमारा राशन कार्ड नहीं मिला। अभी वो गरीब आदमी को राशन कार्ड नहीं मिला, उससे बढ़ के क्या? बीपीएल में नाम है? बीपीएल में हमारे बाबूजी का नाम था, लेकिन शादी हो गया आपका? हाँ शादी हो गया। अभी कार्ड नहीं बना? नहीं बना। 3-4 बच्चा भी है तभी नहीं मिला, राशन कभी नहीं मिलता है। मुख्यमंत्री का सबसे पसंदीदा योजना 7 निश्चय योजना आज आपको पारू प्रखंड के मोहब्बतपुर गांव की वार्ड नंबर 1 की एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाएंगे जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का जो योजना है और बहुत पसंदीदा योजना 7 निश्चय योजना जिसका पोल खोलती है। कहें तो इस वार्ड में जब आए तो वहां के आम जनता ने कहा कि यहां पे नल जल योजना संबंधित स्ट्रीट लाइट योजना और सोलर लाइट संबंधी कोई काम ही नहीं हो पाया। और आखिरी में इस वार्ड का भ्रमण करने पर यही परिदृश्य सामने आती है कि कहीं भी नल जल योजना का कोई काम ही नहीं हुआ। निवर्तमान मुखिया कितना कार्य किए हैं और यहाँ के आम जनमानस वर्तमान मुखिया के कार्यकलाप से क्रियाकलाप से कितना संतुष्ट है, सभी रूपरेखा पे ग्रामीण से जानेंगे, फीडबैक लेंगे कि क्या रूपरेखा, क्या चच्चा काम भले ही मुखिया में? कोई काम नहीं हुआ है यहाँ अति में, ये 1 नंबर वार्ड में कोई काम नहीं हुआ है। पानी पिए हैं नल? नहीं पानी नहीं है, भी नहीं किया तो कहाँ से पिए? टंकी ना बैठा? नहीं है टंकी बैठा है, गाछी में तो चालू भी नहीं हुआ है एको बार। नल उल पाइप बिछल है? नहीं है बिछा भाई, खेते खेते पाइप लाया कोदार से कर। वर्तमान मुखिया चचा के कार क्रिया काम कलाप क्रिया कलाप से संतुष्ट है, काम हुआ है पंचायत? नहीं हमारे पंचायत में कोई काम नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। इस बार आप लोग बदलाव के मूड में? हाँ बदलाव के मूड में। कितना उम्मीदवार है चचा इस बार पंचायत में आपके खड़ा? 11 है। 11 है। लड़ाई में? लड़ाई में 9 है ना, 9। लड़ाई में कौन कौन है? लड़ाई में अब जहाँ दिए हम किसको कहे सके को है, ऐसे तो हर मुखिया अपना अपना वोट मांग रहे हैं। लड़ाई सबसे ज्यादा जो आगे है आप लोग किसको समर्थन करते हैं? हम लोग तो गीता सहनी के सपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं स्थानीय जो जनता हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहा जाता है कि जनता के द्वारा और जनता के हित में चुना गया शासन प्रणाली लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहलाती है, और आम जनमानस कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के सबसे पसंदीदा योजना पे एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या लगता है चचा क्या काम हुआ है बीते 5 सालों में पंचायत में? 5 साल में तो यहाँ पे अभी कुछ दिख नहीं रहा है, कोई काम दिख नहीं रहा है। यहाँ नाली बनना था, पानी हर साल बरसात में भर जाता है, यहाँ भी पानी नहीं हुआ है। और नल जल का तो पूरा समझे घोटाला ही घोटाला है, कोई काम नहीं। पाइप आया है गाछी में, उधर रह गया पाइप, इधर पाइप ही नहीं पहुंचा है। नाली वाली चचा बना है? कुछ नहीं बना है यहाँ, बिल्कुल कुछ नहीं। चचा बाढ़ उठ का समस्या रहता होगा क्योंकि कहीं ना कहीं पारू का माना जाता है कि बाढ़ ग्रस्त इलाका है, तो बाढ़ उठ का जो चचा है? यहाँ कोई बाढ़ नहीं है, बस बारिश का पानी आकर ये रोड पे जम जाता है, कोई नाली नहीं बनता है। उधर से पाइप लाइन नल जल का पता नहीं कहाँ टंकी बैठा है क्या है, अभी तक यहाँ कोई नल जल का कोई। लाइट उठ रहता है रात में? पोल पर लाइट उठ जलता है? लाइट तो रहता है, पोल पे लाइट नहीं है लेकिन घर में लाइट मिलता है। नहीं नहीं सोलर लाइट जो लगा मुख्यमंत्री के उजाला नहीं लगा है यहाँ सोलर लाइट ना कुछ ना है, ये लगू ना लाइट फाइट कुछ ना आए लगून कोनो समाधान नहीं के मिलल कोनो। मुखिया जी काम कल थी ना 5 साल में? कोनो कुछो का मुखिया कोनो मुखिया ना काम कर ले भाई लगून। केकरा वोट देबे? गीता सहनी के। हाँ मुखिया के बदल देबे वर्तमान? हाँ बदल देबे। पेंशन उंसन मिलल? लेकिन पेंशन उंसन कुछ ना मिलल है हमरा ना। घर उर बा कुछो ना हमरा घर मिलबे नहीं के कहले हम। इंदिरावास ना मिल? इंदिरावास कुछो नहीं के मिलल। मुसमात पेंशन मिलल? मुसमातो पेंशन नहीं के मिलल अभी हमरा ना।
पहले मिलते रहा 200-400 अब वो सब ठप हो गए, पता ना कहे। अब हम जी से कह ली कि पेंशन ना मिलल, मुखिया जी से कहले बारी तो मुखिया जी कहते रहन कि जब बोलू आई 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 आते आते रह गए आज तक ले। एक बहुत बड़ा सवाल, चूंकि वो कहीं ना कहीं माना जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था के अंदर में जो आता है विधवा पेंशन योजना, वो भी पेंशन योजना से पंचायतवासी जो है सो वंचित है। और लोग है बात करेंगे, चाहे कुछ स्थानीय लोग है, बहुत लोग इधर उधर कर रहे हैं, क्या लगता है भैया इस बार क्या चुनाव का क्या मुद्दा है? एम की बार चुनाव का वही मुद्दा है कि गीता साहनी निकल रहे हैं। ना ना काम हुआ चाचा? काम कुछ नहीं हुआ है, ना हमारे गांव में पोल पे लाइट है, ना नल है, ना नाला है, ना वो क्या बोलते हैं साफ सफाई नाला होता है वो भी नहीं है। बाढ़ जो आता है तो घर में पानी ठेल देता है, घर के पीछे मतलब पीछे तक पानी पहुँच जाता है, कोई लाभ नहीं है। 6000 जो आता है वो हमारे मुखिया और वार्ड बोलते हैं हर पन्ने में 500 रुपया दो, तो 6000 जो आपके बाढ़ वाला चल पैसा। जी जी, बाढ़ वाले भी पैसा नहीं आया, कुछ लोगों को आया है, एक दो आदमी को, और आदमी से बोलते हैं कि 500 रुपया हर पन्ने में दो तो तुम्हारा 6000 रुपया आएगा। 500 मुखिया जी मतलब खोल के बोलते हैं कि 500 रुपया दीजिएगा तो 6000 रुपया देंगे। जी जी जी, 500 रुपया मांगते हैं तब 6000 आएगा। आप लोग क्या करते हैं? हम लोग नहीं देते हैं, हम लोग नहीं आया 6000 रुपया नहीं दिए, कहाँ से पैसा जब अबे न कलक 6000 तब दी कहाँ से 500 रुपया, कर्जा काट के दे दी, कर्जा काट के दे के हमारे लड़का सब भीख मांगे ना ले कुछो ना। हमने का कोनो बेटा बेटी के ना चाहे हमारा न केहू के ना, तीन गो लड़का बा, तीनों लड़का में कोई के ना ना हमारा कुछ ना। अ 2000 आवे के रख उहो ना अलक, खेती उत में 6000 रुपया मिलल चाची को मिलल ना कुछो ना साफ ना ओकर नावे ना भराईता जाईता भराईता जाई काम ना केला ना कुछो ना कोई कामे नहीं खन कइले। मुखिया जी के विकास भेलै घर उर बनलै है नै? घाया नया घर त मुजफ्फरपुर में बनल है, कहाँ दो बनल है, कहाँ दो बनल है, देवरिया में भी जमीन लेके आ घर बनौले बारन। क्या लगता है बाबा इस बार क्या हुआ है 5 साल में पंचायत में? मुखिया के द्वारा तो कोई खास काम नहीं हुआ है, ऐसे पुल पुलिया रोड, लेकिन जिसमें उसको ज्यादा कमीशन मिला है वही काम किया है। कमीशन उमीशन में काम ना उससे भी मतलब बात आप कह रहे थे कि आसकत वाला बात, उससे भी मतलब हमको नहीं है। पब्लिक का, जनरल पब्लिक का जो काम है, वृद्धा पेंशन, शौचालय, उसके बाद में है राशन कार्ड, इंदिरा आवास में तो जिला का 100% मुखिया घुस लेता है, 20% 25% हेन तेन करके वो लेता है, तो इसको भी ये भी अपना ने उसमें लिया है। लेकिन ये सब जो आइटम हम गिना रहे हैं नीच का, जिसमें खास करके वोटर जो है, वोटर से वो अपना पैसा मांगता है, पैसा लेता है। यहाँ का मुखिया, यहाँ का मुखिया, वर्तमान मुखिया भी जो सब चीज़ें पैसा, और बिना पैसा का कोई काम नहीं करता है। कि बदलाव के मूड में है आप लोग? निश्चित बदलाव होना चाहिए। किसके किसको चाह रहे हैं कि यहाँ पंचायत का प्रतिनिधि किसके सर पर? यो कहवा दीजिएगा, कह दीजिए ना क्या हो गया। हम लोग सहनी जी के सपोर्टर है, गीता सहनी, मतलब कि पूरा जो वर्तमान मुखिया है नहीं, वर्तमान उसके खिलाफ में आप लोग मुंड बना लिए। क्या बोले भैया? चेंजिंग चाहिए हमको, चेंजिंग वो सोच लिए। यस, हम की जो भी हमारा मुखिया जो है गीता सहनी, वह मुखिया अभी कहाँ है? सॉरी सॉरी, हाँ मुखिया नहीं है, मैंने भूतपूर्व जो मुखिया, पहले का जो मुखिया है, मैंने वर्तमान मुखिया, वर्तमान मुखिया क्या नाम है, गुड़िया, गुड़िया कुमारी, उसको हम लोग जब इतना दूर फेंक देंगे कि भविष्य में वो लड़ने के काबिल नहीं रहेगी। क्योंकि मेरे पंचायत में जो भी वर्क किया है बिना पैसा का कोई काम नहीं। बात बताइए चाचा, नल का पानी पिए हैं कि ना? नहीं नहीं, नल का पानी 1 से 14 नंबर वार्ड मात्र दो गो ही। और देखिए मेरे वार्ड 3, मेरा वार्ड 3 हो गया, स्थिति जर्जर है। कितना रुपया मिल रहा है सही बताओ? शौचालय का पैसा हम लोग को जो 12000 रुपया आया ना, वो यार खलवा कि ना 3000, 2000 नहीं 3000 खा गया पैसा। वो पैसा जब फिंगरप्रिंट मारा गया तो पहले ही निकाल के 9000 दिया। कौन लिया 2000 रुपये? डैग अथी वार्ड और मुखिया लिया, मतलब वार्ड के माध्यम से मुखिया पैसा किया। हाँ वार्ड लिया, वार्ड तो सर्वासर्व वार्ड का अपना होता है, लेकिन वार्ड के द्वारा जो मुखिया अपना लिया पैसा। सर बदलाव के मूड में है कि पंचायत? बदलाव, गीता सहनी को हम लोग वर्तमान मुखिया बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं पंचायत के प्रतिनिधि लोग जो हैं सो बदलाव के मूड में हैं। और एक चचा हैं, क्या लगता है चचा इनकी क्या होगा पंचायत में, कुछ काम हुआ है 5 साल में? 5 साल में तो कुछ भी काम नहीं हुआ है। क्या हुआ? पेंशन उनसे मिलता है ना? नहीं, मेरे को कुछ नहीं मिलता है, मेरा तो नाम भी नहीं है पंचायत। आप वोट ना गिराइएगा? नहीं नहीं,
काम अच्छा वोट नहीं रहता गांव में रहते हैं ना चाचा? गांव में रहते हैं। काम हुआ है कि ना गांव में? आप ईमानदारी भर बोलिएगा। कोई काम नहीं हुआ है। ईमानदारी भर बोलिएगा। ये नल जन चालू हुआ तो किसी नल में पानी भी नहीं आ रहा है। कहाँ हम अपने वार्ड का बात कर रहे हैं, ये इसको तो हम देखा नहीं। बाकी हम अपने दरवाजे का बात कर रहे हैं, उधर का सब लाइन कहाँ आ रहा है? कहीं ना कहीं नल जल योजना की सच्चाई देख लीजिए। मुख्यमंत्री का सबसे पसंदीदा योजना सात निश्चय योजना में कमीशन का खेल, रस्सी के सहारे पाइप को लटकाया गया है और वाकई में जांच हो तो कहीं ना कहीं एक बड़ा घोटाला और मुखिया जी अपना विकास कहीं ना कहीं जरूर किए होंगे। काबू सुना ना हो? सुनना मर देने आपने। ए घर पापा वोट उठ देते हैं जी? आ? जी आ, स्थानीय मुखिया और निवर्तमान मुखिया कोई काम नहीं किए और बदलाव के मूड में है और लोग है वो चचा है का चचा कुछ काम हो कि ना पंचायत में? पंचायत में हम तो 3 नंबर वार्ड से आते हैं, 3 नंबर वार्ड का बात करेंगे। काम हुआ है पंचायत में? 3 नंबर वार्ड बना है अभी तो, उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ, ढह गया है। अच्छा चलिएगा तो दिखा देंगे आप। उद्घाटन नहीं हुआ ना? ढह गया। और पंचायत में काम किया जाए कहीं ना कहीं स्थानीय जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि कमीशन का खेला होता है। होता है हाँ, बिना कमीशन का कोई काम नहीं होता। इस बार आप लोग बदलाव के मूड एकदम निश्चित बदलाव के लिए एकदम क्लियर है, बदलाव करना है एकदम बदल देना है। वर्तमान मुखिया काम का संतोष? वर्तमान मुखिया का कोई काम नहीं, कोई काम नहीं किया। कोई पेंशन चाचा मिला लो? कुछ नहीं। झूठ ना बोलिए, काम कर लिया कि ना मुखिया? झूठ सूझ ना बोलिए। काम नहीं हम लोग का मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मेरा आवास मिला? कुछ नहीं। शौचालय वाला पैसा मिला? कुछ नहीं। एक गो नहीं, कई गो आदमी का मिला है। शौचालय गाँव में घूम के परीक्षण कीजिए, मिला किसी को नहीं। का नाम है? जयचंद्र भगत। चाची काम मिले ना? काम कोटा मिला ले, राशन उशन कार्ड बनल बाटे, घर नहीं के पास बिल घर नहीं काहे ना पावा। मुखिया जी के तो कि है तो कोई बे फॉर्म उरम भराइल कुछ ना मिलल ना? मुखिया जी कहा कुछ कहत बलुआ हम की का सूचित में नाम आई जो हम की दा अथी के मुखिया का इंदिरा हां का बोल रहे हैं चाचा? बोल रहे हैं ऐसे मुखिया जी ने राशन कार्ड बनाया ना, वृद्धा पेंशन पास हुआ है 5 साल का अंदर में, अब काफी कर सकते हैं। मान मुखिया कोई काम नहीं? कुछ भी नहीं हमारा हुआ। रोड बना? रोड तो यही बना है, इसमें 2 आमदी बनाया है, अकेले नहीं बनाया है। एगो सत्यनारायण सर नल के पानी पीते हैं कि नहीं पीते? नल का पानी भी नहीं चलता है। नल का पानी पीते हैं? ना वो भी बंद, ना वो भी नहीं चलता, सब लगा है। पानी नहीं आ रहा है पानी। क्या कर रहे थे मुखिया जी? का मुखिया है ना? हाँ हम लोग का इंदिरा आवास मिला है, एगो लेटिंग वाला शौचालय वाला भी नहीं मिला है। ईमानदारी से वो बात बताइएगा ये दबी। हाँ बोलिए। इंदिरा आवास में कमीशन वमीशन लिया है कोनो? हाँ 10,000 लिए हैं। लिया 10? मुखिया लिए, वार्ड सब मिलकर लिए 10,000। कौन मांगा आपसे 10,000? 10,000 मुखिया जी मांगे और वार्ड में ले गए हमके हाथ में से 10,000। फ्री में क्या दिया? कुछ नहीं दिया, खाली इंदिरा आवास, इंदिरा आवास मिला है, घर बनाए हैं। इंदिरा आवास मिला है तो 10 रुपया लेके दिया कि फ्री में दिया? 10,000 लेके दिया है। 10,000 लिया? 10,000 ना दिया? 10,000। अब देखिए वो लोग मांगा, अब जब घूस खा ले कोनो काम होता है आज तक ले बिहार में? जब तक ले घूस हम लोग नहीं देंगे और लोग नहीं लेंगे तब तक ले काम करेगा नहीं करेगा काम, यही बात है। मुखिया जी 10,000 आपसे मांगे? हाँ वो लोग लिए 10,000, जब तक ले 10,000 नहीं देंगे तब तक ले काम करता है वो लोग। 3 बार 4 बार पहले सूरज सूरज से हमारे घर गिर गेल बा झोपड़ी में। शौचालय वाला में क्या दिला कितना पैसा? ना अति रिंग हलवाई हुए हैं, बोले हैं रूम बनाइए तब पैसा देंगे। कितना रुपया मिली? वो में तो बोले सुन रहे हैं से 12,000 रुपया मिलेगा, अब सुन रहे हैं से वही 20,000 ले देगा 15,000। वो में कितना कमीशन मांगलक? अभी हम लोग के नहीं मिला है अभी तो हम कैसे कह दें। क्या कहते चाची? हम तो कहे था नहीं जो पहले सूरज सूरज हमारा मुखिया जी कागज क के बाबा दादा के बाप के मथारी के नाम लिख के ले गेल। इंदिरा आवास मिलल कि ना? ना पेंशन मिलल? पेंशन मिलल। इंदिरा आवास ना मिलल? ना कमीशन मांगलक मुखिया? कथी के
कमीशन रुपया रुपया घर के तो हमरा बा गरीब आदमी के हम करे के तब ना दली हिज ना इंदिरा आवास ना मिलक चाची। हां त कहां सभी हां का हो काम भेलै कोई काम नहीं हमको 5 साल में एक राशन कार्ड भी नहीं मिला नहीं मिला। मुखिया जी के काम काज से संतुष्ट है कि नहीं है? नहीं नहीं 5 साल में तो हमारा कोनो काम ही नहीं किया सर। बदलाव के मन में जी 5 बार अप्लाई किए हमारा राशन कार्ड नहीं मिला। अबे वो गरीब आदमी को राशन कार्ड नहीं मिला उससे बढ़ के क्या? डिटेल में नाम है? डिटेल में हमारे बाबूजी का नाम था लेकिन शादी हो गया आपका? हाँ शादी हो गया। अभी कार्ड नहीं बना? नहीं बना। तीन चार बच्चा भी है तभी नहीं मिला हमको राशन कभी नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं पंचायत स्तर पे आप जरूर एक वीडियो आपको दिखाए हैं एक महिला का कि कैसे किस तरीके से पंचायत के प्रतिनिधि जिसको आप एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक वोट देकर पंचायत का मुखिया बनाते हैं और एक मरई से अपना घर का विकास कर लेता है अपने परिवार का विकास कर लेता है और आपके विकास की जब बारी आती है तो 10,000 कमीशन पे आपको इंदिरा आवास देता है। तो कहीं ना कहीं जनता के बीच अजागरूकता और अविकसित पाना का एक कारण है कि आप 10,000 रुपया देते हैं तब आपको इंदिरा आवास मिलता है। कहीं ना कहीं लड़के कर लेने की क्षमता आप में नहीं है। इसका नतीजा होता है कि भोली भाली जनता को जनप्रतिनिधि ठगते हैं और अपने पावर का मिसयूज करके जनता का ठगी का शिकार बनाते हैं। क्या चाची काम भेल पंचायत में? हमनी के नहीं थे घर पास में इंदिरा आवास नहीं थे मिलन इंदिरा आवास ना मिले घर उड़ हो चलते घर बात काहे ना मिली बीपीएल में नाम है ना ना नहीं के बना तो पक्का घर हो रहा ये सना ना मिल तो फिर काहे ना मिली सब लोग को मिली हमनी के काहे ना मिली पूरा गरीबी श्रेणी में हम ना बाटी तो वोट एम की वर्तमान हम के चाहे कि ना चाहे वर्तमान मुखिया के जितावे के मुंह बड़ी की बदल देबे से बताओ। अच्छा जहां सब लोग देते हम नहीं हां तो ईमानदारी पर बताओ कि का ईमानदारी ना तो कथी मतलब कि बदल के बिचार में कि देबे कि हां ठीक बा कथी ठीक बा बदलाई मुखिया के बदलाई बदलाई मुखिया के छोड़े रखे के बा घुसखोर मुखिया के हम की ना के बा घुसखोर मुखिया बहुत लोग बा जे 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 आला से सब लोग घुसखोर निमन के बा निमन होई से हम चुन ले हम कोरोना के चल हम निमन हां हम की चुन ले हम के नींद खुलल बा हम नींद तक खुल गेल बा हमने के खोल सुनिए ले हम ने पहले आंख मुना ना ली चाची ना पहले कर राग लग धोखा फायदा अब साफ मुखिया हो गए घुसखोर अपन बनावले जीवन गरीब के जीवन ना बनावले इंदिरा आवास मिलल कि ना चाची मिलल बा 18,000 वाला 20,000 वाला ओमे कितना रुपया ले ले वाला ओमे 2,000 वाह ओमे मतलब 18,000 मिलल 16,000 रुपया मिलल ना 18,000 हमरा मिलल 2,000 पेंशन उनसर मिलल ले हां पेंशन मिलल ले। और स्थानीय है आप तो युवा लग रहे हैं क्या लगता है भैया काम हुआ है पंचायत में? हां पंचायत में तो विकास को एक नजरिया देखा जाए तो जिस तरह से फंड आए जिस तरह से पंचायत में वर्क होना चाहिए कुछ नहीं है कुछ नहीं। अच्छा 7 निश्चय योजना कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का बहुत पसंदीदा योजना और बहुत जांच भी हुई नल जल योजना की क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा था कि हाँ हर एक पंचायत में नल जल से पानी पहुंचेगा। पंचायत की क्या स्थिति है नल जल योजना में? ये 7 निश्चय योजना मुख्यमंत्री का एक उपक्रम है और बहुत अच्छी योजना थी। इसको सफल बनाने के लिए जितने भी पंचायत के मुखिया हैं वार्ड है ये लोग सफल नहीं बना पाया। एक बात बताइए जो कि अधिकारी लोग भैया ना देख पावल इस चीज के है ना तो एक बात बताइए कि गांव में आप लोग रहते हैं बिना घुस के कोनो काम होता है? हाँ बिना घुस के क्यों नहीं हो सकता है इसमें एगो चाचे ही बोल रहे थे कि 10,000 रुपया लेके इंदिरा आवास मिला। हाँ बिल्कुल लेकिन यहाँ हम और आप उस तरह से कंसस नहीं है जो यहाँ के मुखिया आपको ठगी का शिकार बनाते हैं है ना। और एक्चुअली देखा जाए तो मेरे तो पंचायत यहाँ पे महिला कैंडिडेट है महिला उम्मीदवार है। इस बार क्या आप लोगों का मूड रहेगा? मैं जो बता रहा हूँ पहले इसको सुनिए यहाँ तो महिला उम्मीदवार है लेकिन यहाँ महिला नहीं बल्कि लगता है कि मुखिया उसके बाप बन गए हैं तो उसके पति नहीं पति मर्यादित शब्द नहीं कीजिए एकदम बिल्कुल सही मर्यादा रहे हैं पति नहीं उसके पिताजी भी यही पद निभा रहे हैं यहाँ हमारे ससुराल दोनों बिल्कुल इसीलिए तो हम कहे हैं केवल आप पति के बारे में जानते हैं लेकिन यहाँ उसके पिता के बारे में भी जानने की कोशिश कीजिए कि यहाँ के कैंडिडेट जो है लगता है कि मुखिया महिला है। इस बार आपके पंचायत का क्या रूपरेखा होगा? मुखिया नहीं वर्तमान मुखिया भरोसा है या फिर बदलाव के मुद्दे? नहीं इस बार तो 100% बदलना है तो कहीं ना कहीं मोहब्बतपुर पंचायत की जनता इस बार बदलाव के मूड में है और
किया है, कुछ नहीं मुखिया किया है, हमका पानी में हाथ ना सरल घर मेघवा जब आयल चाची कुछ ना हमनी हाँ हमनी के दाही के पैसा नहीं दिया है 6000 रुपया सब के मुंह दे दे मांगलक मुखिया हमनी के देबे ना कहलक त का सोना देले होबे ना उफाड़ के बिक देल कागज कागज ना ले गेल ब्लॉक में हाँ कागज हमनी के ना ले सुनो तो स्थानीय स्तर में पंचायत के लोगों को सुन रहे थे आप, और लोग हैं का चाचा ना ना हम लोग का काम नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ काम सब ना ना हमको तो कोई फंडे नहीं देता है तो हम कैसे कह दे क्या जी के बा हमको तो कोई फंडे नहीं देता है मुखिया अभी चाचा बरहमदेव राय का लड़की है देखिए जी तरह अब कौन जीतेगा वो कैसे कह दे हम जे ना कि हाँ इस पर भरोसा है इस बार कह देंगे जो है फलने आदमी जीत जाएगा मत अपना जो है छुपा के जहाँ देना होगा वहाँ देंगे। पंचायत की विकास की रूपरेखा शून्य बराबर प्रतीत होती है हमारे सर्वे में और निवर्तमान मुखिया पर भरोसा भी पंचायत के आम जनमानस का नहीं है और हमारा सर्वे यह प्रूव करती है कि इस बार मोहब्बतपुर पंचायत की जनता बदलाव के मूड में है, चूंकि 5-6 वार्ड का मैंने भ्रमण किया और भ्रमण में ही प्रतीत होता है कि इस बार मोहब्बतपुर पंचायत की जनता बदलाव के मूड में है और बदलाव हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का हर एक योजना धरातल पर नहीं उतर पाई है और कहीं ना कहीं हर एक योजना में लीपापोती और धांधली और भ्रष्टाचारी का खेल हुआ है। कैमरे के पीछे सहयोगी अविनाश है और गौरव के साथ मुजफ्फरपुर नाउ आप देख रहे हैं।